इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भीतरवार से, जहां कोरोना काल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। गेहूं उपार्जन केंद्र पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप देख सकते हैं, ना मुंह पर मास्क और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। खरीदी केंद्र पर प्रतिदिन सैकड़ों ट्रॉलियां आती है। इस तरह से ये ट्रॉलियां खाली की जा रही है, ना मुंह पर मास्क है ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि सैकड़ों ट्रॉलियां जो आती है उससे कोरोना का कितना खतरा हो सकता है। आखिर ऐसे कैसे जीतेंगे हम कोरोना की जंग? फिलहाल इस मुद्दे पर और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संभागीय एड इमरान खान के साथ। इमरान, बताइए क्या है पूरा मामला? देखिए मयंक, मैं आपको बता दूं कि इस समय कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है वो कितना खतरनाक चल रहा है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो अभी तक सारे रिकॉर्ड तोड़े जा चुके हैं। इस समय मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, मृतकों को दाह संस्कार के लिए शमशान घाटों में कब्रस्तानों में वेटिंग करनी पड़ रही है। अगर मैं ग्वालियर जिले की बात करूं, ग्वालियर जिले में करीब 1000 से 1200 के लगभग रोज के पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, 5 से 6 मौतें हो रही हैं। उसके बावजूद भी जो कि गेहूं उपार्जन केंद्र, जो गेहूं कांटे जो लगाए जाते हैं किसानों की खरीदी के लिए, उस केंद्रों पर भीतरवार ब्लॉक में, भीतरवार अनुभाग में, उन केंद्रों पर शासन के द्वारा ना तो कोई कोविड के नियमों का पालन किया जा रहा है, ना ही वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। सबसे बड़ी लापरवाही, वहाँ पर लगभग रोज का एक कांटे पर 1000 से ऊपर किसान आता है, और जो कि वहाँ के पल्लेदार हैं वो ना किसान कोई भी मास्क का ना ही पालन कर रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंस बना रहा है, ना ही सैनिटाइजर बनाया जा रहा है। जबकि शासन की गाइडलाइन में बिल्कुल उल्लेख है कि आप सभी धर्म कांटों पर मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज करें। उसके बावजूद भी ये स्थिति इतनी भयानक बनी हुई है और इस समय कोरोना का इतना भयंकर प्रकोप चल रहा है कि मैं जनता को बार बार अपने चैनल के माध्यम से बार बार ये अपील करता आ रहा हूँ कि भाई सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क का पालन करें। लेकिन भीतरवार ब्लॉक एक अलग ही ब्लॉक है, हर चीज में लापरवाही यहाँ पर देखने को मिलती है, और भीतरवार में इतनी भयानक रूप अपनी कोरोना ले चुका है कि छोटे से एक भीतरवार ब्लॉक, छोटा सा एरिया है, उसमें आज की अगर मैं बात करूँ भीतरवार की, 1 बजे तक की रिपोर्ट में मयंक 86 पॉजिटिव मरीज आए हैं, और अभी तक शाम तक क्या आंकड़े होंगे ये देखने लायक होंगे। और ऐसी स्थिति में इतनी भयानक लापरवाही कितना कुछ जनता का बिगाड़ सकती है, एक सोचने वाली बात है। जिस तरह से कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे ही लोगों को भी अपनी तरफ से समझना होगा कि वो ऐसी लापरवाही ना करें, और इसके पीछे जिम्मेदार व्यक्ति कौन है जो उन पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। देखिए मैं कि लोगों को जागरूक होना ही पड़ेगा, शासन प्रशासन तो अपनी तरफ से लगाई हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की छोटी सी लापरवाही एक बहुत बड़ा खामियाजा उसका हो सकता है। क्योंकि जो धर्म के जो टोल कांटे लगाए गए हैं सोसाइटी द्वारा, वहां पर समय समय पर अगर भीतरवार तहसीलदार, भीतरवार SDM या कोई किसी भी अधिकारी के द्वारा वहां पर निरीक्षण किया जा सकता है, वहां देखा जा सकता है कि किस तरह से टोल खरीदी चल रही है। माना कि किसानों को इस लॉकडाउन में, इस कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है, लेकिन इतनी भी छूट नहीं दी गई है कि आप अपनी मनमर्जी करो, कोविड नियमों के पालन को धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये अगर ऐसा ही हालात बने रहे तो आने वाले समय में कितनी भयानक स्थिति होगी ग्रामीण क्षेत्र की। ये इस प्रशासन को बाद में इसको सुधारने जैसे हालात नहीं बन सकते, क्योंकि जब कोरोना इस समय इतने भयानक स्थिति में फैल रहा है मयंक, कि भीतरवार में मैं अगर बात करूं, हर दूसरा मरीज, हर दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। आज 86 सैंपल में 40 पॉजिटिव आना, यानी कि 3-4 दिन से पिछली बात करूं तो मैं हर दूसरा व्यक्ति यहाँ पर पॉजिटिव निकल रहा है। उसके बाद भी ना तो यहाँ की जनता जागरूक हो रही है और ना यहाँ का प्रशासन बिल्कुल भी किसी तरह का ध्यान दे रहा है। और यहाँ पर प्रशासन को इस धर्म कांटों पर जाकर व्यवस्था देखना चाहिए। चूंकि ये सही बात है कि किसानों का गेहूं का टाइम है, उनको तुलना भी चाहिए, लेकिन उसकी गाइडलाइन भी बनाई जाए, उसका पालन भी कराया, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, वो किसी को देखकर नहीं आ रहा है कि वो किसी को देख के संक्रमित नहीं हो रहा है कि ये किसान है कि ये पल्लेदार है। लेकिन यहाँ पर शासन प्रशासन को पूरी तरह से व्यवस्थाएं करनी चाहिए और पूरी तरह से इन व्यवस्थाओं में सुधार लाना चाहिए अगर आगे कोरोना पर ब्रेक लगाना है तो। जी जी बिल्कुल। ये मामला किसी उच्च अधिकारी के संज्ञान में अब तक आया है या नहीं? अगर आया है तो उनका क्या कहना है इस बारे में? मयंक, मैंने अभी हाल ही में 1 घंटे पूर्व तहसीलदार भीतरवार श्यामू श्रीवास्तव से फोन पर चर्चा की, मैंने उनको पूरे हालातों की स्थिति बताई है। तो तहसीलदार श्यामू श्रीवास्तव जी का कहना है कि हम लोग अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं लगे हुए हैं। मैंने कल 2 दिन पहले ही निरीक्षण किया था और मैंने सभी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको समझाइश भी दी गई थी, अगर इस तरह की कोई लापरवाही है तो मेरे द्वारा आज या कल पुनः निरीक्षण, और अब की बार में जो भी लापरवाही बरत रहे हैं उन पर बिल्कुल भी कोई भी
कोई भी वो नहीं करूंगा और 188 के तहत कार्रवाई करूंगा कोरोना गाइडलाइन की। धज्जियां उड़ाते कोई भी पाया गया तो तहसीलदार का स्पष्ट रूप से कहना था कि हमारे द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं भीतरवार में कोरोना पर ब्रेक लगे, लेकिन जनता जनता जनार्दन को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि ये कोरोना किसी को देख नहीं आता है। और अगर ऐसी बात है अगर आपके द्वारा मेरे को एक बात बताई गई है तो मैं बराबर सारे कांटों का निरीक्षण करूंगा। भीतरवार में करीब एक दर्जन से ऊपर टोल कांटे लगाए गए हैं किसानों के लिए। जी बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि इस खबर के बाद इन लोगों पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज होगा और जो इनके पीछे जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन लोगों को सिखाए कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखे, तो उसके ऊपर भी कोई मामला दर्ज हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मयंक, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी लापरवाही बरत रहे हैं और जो भी जिम्मेदार बड़े बड़े जो अधिकारी हैं तरम कांटों के टोल कांटों के, उनसे ये बिल्कुल के तहत कार्रवाई होगी। और तहसीलदार का स्पष्ट कहना था कि जो भी लापरवाह होगा, जो भी वहां पर अगर मुझे बिगर मास्क के मेरे घर चलता जाए कि जो स्थिति जो हमारे द्वारा गाइडलाइन सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन वहां पर बनाई गई है, अगर उस गाइडलाइन का पालन वहां पर देखने को नहीं मिलता है तो किसानों के पल्लेदारों के खिलाफ तो चालानी कार्रवाई होगी होगी, लेकिन जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कोविड-19 के नए नियमों के पालन ना करने के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह की कोई भी रियायत किसी पर भी बख्शी इस बार नहीं होगी क्योंकि कोविड जो फैल रहा है बहुत ही खतरनाक रूप से फैल रहा है, इसलिए किसी को नहीं बख्शा जाएगा। शायद इस खबर लगने के बाद प्रशासन जागेगा और इस पर कार्रवाई होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। तो जिस तरह से शासन प्रशासन द्वारा तमाम सुविधाएं दी जा रही, तमाम लॉकडाउन भी लगाया गया है और कई तरह से उन पर सख्ती भी की जा रही, उसके बाद भी कुछ लोगों की भी जिम्मेदारी, लोग अभी तक जागरूक नहीं हो पाए हैं इसको लेकर, लेकिन देख सकते हैं आप किस तरह से ना मुंह पर मास्क लगाए ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और आराम से लोग वहां पर घूम रहे हैं और अपने काम में लगे हुए हैं। किसी को इस बात का कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोरोना अभी है और अभी ये पूरी तरह से यहाँ से गया नहीं है। तो तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद इमरान।